अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीता मिश्रा, आप देख रहे हैं फ्रेश टाइम न्यूज, रिपोर्ट सीबी मणि त्रिपाठी। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के छोटा परेड ग्राउंड पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी दद्दन मिश्रा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में सपा बसपा तथा कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी की ही बनेगी और सरकार बनने के बाद कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि देश के सीमा के साथ कोई समझौता या किसी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी के अनुसार जिले की श्रावस्ती लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी दद्दन मिश्र के पक्ष में प्रचार करने छोटा परेड ग्राउंड में आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि गठबंधन व कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के साथ भाजपा के केंद्र में पुनः मोदी सरकार बनेगी। यूपी की आवाज बंगाल तक गूंज रही है। भाजपा के लिए श्रावस्ती परम धाम है क्योंकि ये नानाजी देशमुख और अटल जी की कर्मभूमि है। उन्होंने कहा कि यूपीए ने अपने शासनकाल में यूपी को मात्र 3,30,000 करोड़ रुपया मात्र का बजट दिया, जबकि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में यूपी को 10,27,223 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए। उन्होंने सपा बसपा को आड़े हाथ लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा एक जाति का विकास करती थी तो बसपा दूसरी जाति का, लेकिन भाजपा ने जाति धर्म भेद से ऊपर उठकर सड़क बिजली व पानी व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में सभी वर्गों का विकास किया। श्री शाह ने कहा कि देश की पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत चारों दिशाओं में सिर्फ एक ही मोदी मोदी का गगनभेदी नारा गूंज रहा है। ये चुनावी नहीं बल्कि 125 करोड़ भारतीयों का मोदी को आशीर्वाद है। जनता आगामी 23 मई को दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनता देखने का इंतजार कर रही है। मोदी में 70 साल से देश के लिए मर मिटने वाला नेता दिखता। मोदी 20 सालों से गरीब किसान दलित व सभी के लिए परिश्रम करते हैं, जबकि राहुल व अखिलेश छुट्टी मनाने के लिए चुपचाप विदेश चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 55 वर्षों में कांग्रेस के गांधी परिवार की 5 पीढ़ियों ने राज किया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि इस बार यूपी से भाजपा को 74 सीटों से अधिक पर जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि जब पिछली बार 73 सीटें मिली तो इस बार 72 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में देश को वहाँ वह आंतरिक रूप से सुरक्षित किया। उन्होंने यूपीए सरकार पर चुनावी हमला बोलते हुए कहा कि यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल में पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर जवानों का सिर काट ले जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पुलवामा के दोषियों को पाक में घुसकर वायुसेना के एयर स्ट्राइक से आतंकियों के चितड़े उड़ाकर पाक को 56 इंच का सीना दिखा दिया। आतंकियों के बदले से जहां पूरा देश जश्न में डूबा था, वहीं देश की सपा बसपा व कांग्रेस समेत 3 राजनीतिक पार्टियों के खेमों व कार्यालयों में मातम पसरा रहा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकियों के प्रति स्पष्ट जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर नक्सलवाद को तितर बितर कर मात्र 15% तक पहुंचा चुकी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अलगाववादियों के आर्थिक स्रोतों को खत्म कर जमाते इस्लामी और JKMF संगठनों पर बैन लगाया। उन्होंने सपा बसपा पर वार करते हुए कहा कि परिवारवादी और जातिवादी दोनों पार्टियों ने 25 साल यूपी में राज कर प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।